हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूं द हिंदू एंड न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस। तो कल आप लोगों को पता है कि आपका न्यूज़पेपर नहीं आया था और आज आपकी तारीख है 31 मार्च, 31 मार्च है आज, ठीक है। और कल से आपकी अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम में कुछ खासा समय बचा नहीं है, तो इसीलिए अपनी जो तैयारी है उसको काफी अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूज़पेपर से। यहाँ पे देखिए, अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अनअकैडमी द्वारा एक कॉम्बैट चल रहा है जिसमें एक लाइव क्विज होती है और इस क्विज में आप लोगों को मौका मिलता है इन ऑर्डर टू कम्पीट विद थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट के साथ आप लोग कम्पीट करते हैं यहाँ पर और काफी अच्छा एक आप लोगों को एग्जाम जैसा माहौल देखने को मिलता है। तो जरूर हर संडे को 11 बजे आप लोग इसमें कर सकते हैं एनरोल, ओके। यहाँ पे देखिए, आप लोगों के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी द्वारा, तो इनमें एनरोल करना ना भूलें। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो 2022 और 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। तो इसमें एनरोल करना ना भूलना, क्योंकि आप लोगों को खुद ब खुद पता है कि घर बैठ के जो अच्छी पढ़ाई होती है वो आपको अनअकैडमी पे देखने को मिलती है और यहाँ पर आपके बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं। आपकी जो क्लासेस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होती है, ओके। और जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप लोगों को एक कोड यूज करना है। कोड क्या है मैं रोज बताती हूँ आप लोगों को, कोड है स्टडी आईएएस, यानी कि जो चैनल का नाम है, जो चैनल का नाम है वही आपका कोड है, उसका यूज करना ना भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। तो अपना पहले आर्टिकल देखते हैं कि पहला आर्टिकल क्या बात कर रहा है। चलिए पहले आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहले आर्टिकल से बात हो रही है कोविड के बारे में। तो कोविड के जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडिया में और यहाँ पर एक कंसर्न भी बन चुकी है, क्योंकि केसेस इस प्रकार से इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि इंडिया में हाल फिलहाल में जो रजिस्टर्ड केसेस हैं वो हैं आपके 56,211। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके महाराष्ट्र में जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स थे वो उनको बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो इंक्रीजिंगली इतनी ज्यादा सिवियर होती जा रही है कि अर्जेंट एक्शंस भी यहाँ पर लेने की बहुत जरूरत हो रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, माइंडसेट भी बन गया था लोगों का कि देखिए वैक्सीन भी हमारे यहाँ आ गई, ठीक है, वैक्सीन भी आ गई है। तो उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही लॉकडाउन खुला लोगों को लगा कि अब जो सिचुएशन है वो तो इन कंट्रोल है ना, इन कंट्रोल आ गई है सिचुएशन, तो बस लोगों ने सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह सब यूज करना सब छोड़ दिया। इवन अभी हाल फिलहाल में जो सरकार के द्वारा एक सर्वे हुआ था उसमें ये भी पता चला था कि 50% लोग तो कभी मास्क पहनते ही नहीं है, 50% लोगों ने तो मास्क पहनना छोड़ ही दिया है। तो यहाँ पर इतने इंक्रीजिंगली इतने केसेस बढ़ रहे हैं, आपको हर दिन इतने केसेस देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए, आपके जो पुणे है, पुणे में करीब 59,475 केसेस देखने को मिले हैं, ठीक है। फिर मुंबई में आपके नागपुर हो, थाने हो, मतलब महाराष्ट्र में तो केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की तरफ हो, आपका बैंगलोर, बेंगलुरु हो, उधर की तरफ बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। इसी वजह से अब यहाँ पर देखा भी जा रहा है कि क्या यहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाएगा सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए। वैसे बेहतरी इसी में होगी कि लॉकडाउन लग जाए ताकि लोगों को थोड़ा पता तो चले कि आप लोगों ने जितने भी यहाँ पे कंसर्न्स थे सबको छोड़ के, ठीक है, आप लोग बेधड़क बाहर निकल गए और हर तरीके से सारे प्रोटोकॉल्स छोड़ दिए, जिसकी वजह से अब फिर से हम लोगों को यहाँ पर इतना एकदम से जो एक तेजी आ गई है फिर से केसेस में वो देखने को मिली है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है आपके म्यांमार के बारे में। तो यहाँ पे मणिपुर जो है उसने मणिपुर रिट्रैक्ट लेटर ऑन रेफ्यूजीज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो म्यांमार का किस्सा सबको पता है, म्यांमार में क्या चल रहा है। तो देखिए म्यांमार में आपका मिलिट्री रूल चल रहा है, ठीक है। मिलिट्री रूल क्या होता है कि जब किसी भी देश की जो मिलिट्री होती है, ठीक है, किसी भी देश की मिलिट्री है वो उसको इलीगली या सडनली ओवरथ्रो कर लेती है तो हम वहां पर कहते हैं कि मिलिट्री कू हो गया है ना। तो यहाँ पर म्यांमार में भी ऐसा हुआ है कि 1 फरवरी को, देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 2020 में ना इलेक्शन हुए थे, अच्छे खासे इलेक्शन हुए, पर यहाँ पे जो मिलिट्री है उसकी काफी ज्यादा चलती है क्योंकि मिलिट्री यहाँ पे पावर में है। तो मिलिट्री ने ये बोल दिया कि जो आपके इलेक्शन हुए हैं उसमें बहुत सारी इररेगुलरिटीज है। तो उस बेसिस पे क्या करा कि 1 फरवरी को जब आपकी ये
पॉलिटिकल पार्टी थी एनएलडी, ये अपने चार्जेस लेने के लिए आ रही थी क्योंकि इलेक्शन में जीत गई थी, तो ये अपने जब चार्जेस लेने के लिए आ रही थी तब उसी टाइम पे जो मिलिट्री थी उसने अपना रूल लगा दिया। तो 1 फरवरी से यहाँ पर ये मिलिट्री रूल लगा हुआ है और जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि लोगों को अपनी डेमोक्रेसी वापस चाहिए, उनकी जो डेमोक्रेसी छिन गई है वो उन्हें वापस चाहिए, आजादी चाहिए उन्हें, क्योंकि 11 साल उन लोगों ने, थोड़ा वक्त उन लोगों ने अपनी आजादी में गुजारा था। और उस आजादी के टाइम पे जब इनके यहाँ डेमोक्रेसी आई थी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे रही कुछ वक्त के लिए रही, उन्होंने काफी सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे वो भी बहुत अच्छे करे थे। बट अब क्या हो गया, फिर से मिलिट्री रूल आ गया, फिर से यहाँ पे परेशानी देखने को मिल रही है, लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, इवन जो आपके पैसों की क्राइसिस है, ना जाने क्या क्या चीजों की यहाँ पे क्राइसिस झेलने को मिल रही है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ हो क्या रहा है कि लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, अब वो जो जगह होती है, मान लीजिए कि कोई जगह है और आपके वो रहने लायक नहीं बची है, तो आप वहां से दूसरी जगह जाने की कोशिश करोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर देखें तो हमारी 4 स्टेट्स जो है वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। कौन कौन सी है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। तो मिजोरम में हमने देखा था कि 300 लोग तब रेफ्यूजी बन के आए थे और मिजोरम ने ये भी बोला था, देखिए अब क्या था कि सेंटर ने तो यहाँ पे जो आपकी होम मिनिस्ट्री है, यूनियन होम मिनिस्ट्री, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि आप जो भी रेफ्यूजीज आ रहे हैं, जो भी आपके रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें डिपोर्ट कर दें, यानी कि वापस भेज दें, ठीक है, वापस भेज दें उन लोगों को। पर यहाँ पे मिजोरम ने बोला कि देखिए हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में और हम अगर ऐसा करेंगे, अगर हम ही ऐसा करने लगे कि लोगों को मरने के लिए वापस भेज देंगे तो ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर मिजोरम ने काफी मदद करी लोगों की, जो भी रेफ्यूजी के तौर पर यहाँ पर आ रहे थे उनकी मदद करी, उन लोगों को शेल्टर वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे रखी। क्योंकि देखिए जो भी ये 300 रेफ्यूजीज थे, इनमें से बच्चे थे, प्रेग्नेंट वुमेन्स थी, और अगर बात इंडिया की आए तो इंडिया हैव अ वेरी, यू नो, वी आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड पीपल, तो हम लोग जब ऐसे किसी को देखते हैं तो हम उनकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मणिपुर गवर्नमेंट है, मणिपुर गवर्नमेंट ने क्या करा है, विड्रॉ किया है लेटर को जो कि इशू किया गया था लास्ट वीक, ठीक है, डायरेक्टिंग ऑफिशियल्स के द्वारा, इन ऑर्डर टू स्टेप अप एनी कैंप्स फॉर म्यांमार नेशनल क्रॉसिंग द बॉर्डर इनटू इंडिया। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ यही था कि मतलब जो रेफ्यूजीज वगैरह आ रहे हैं आप उनको वापस से डिपोर्ट कर दो, आइडेंटिफाई करो और डिपोर्ट कर दो। पर यहाँ पर क्या है कि मिजोरम है, ये सारी जो स्टेट्स हैं यहाँ पर इस चीज में एक तरीके से एक ह्यूमैनिटेरियन स्टेप ले रही है, ये जो आपकी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके द्वारा ह्यूमैनिटेरियन स्टेप लिया जा रहा है ताकि वो हेल्प कर सके। उन्होंने बोला है इम्फाल को कि वो जितने भी इंजर्ड म्यांमार के लोग हैं उनकी मदद करें, उनको ठीक करें, ठीक है, ताकि सही सलामत वो लोग यहाँ पर रहें, और जब भी उनके यहाँ सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है उसके बाद आगे देखा जाएगा। पर अभी हाल फिलहाल में सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक और आर्टिकल आया, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आपका पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, पॉक्सो एक्ट क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है, तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या हम उसको माइनस के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे बात हो रही है कि एक 18 साल के लड़के ने एक 17 साल की लड़की के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस चीज पे बोला जा रहा है कि क्या हम माइनर को, ठीक है, जो टीनेजर है, क्या हम उसको भी इसके अगेंस्ट सजा दे सकते हैं। अब पॉक्सो क्या होता है ये एक बारी देख लेते हैं। देखिए पॉक्सो क्या है, प्रोटेक्शन है आपके चिल्ड्रंस की फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और ये आपका 2012 में आया था एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट वाज एनएक्टेड टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी विद ड्यू रिगार्ड फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट होता है, हैरेसमेंट होती है, पोर्नोग्राफी है, तो उस सारी चीजों से हम बच्चों को बचा के रखें। और ये डिफाइन भी करता है कि चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स, मतलब कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है तो हम उसको इसी हिसाब से कंसिडर करेंगे। मान लीजिए उसके उसके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप बनाता है, देखिए अगर आप 18 साल से ऊपर के हो, 18 इयर्स अबव हो, तो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो वो आपकी कंसेंट में आता है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि आपकी कंसेंट थी, जो भी चीज आपके साथ हुई उसमें आपकी कंसेंट थी। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप 18 इयर्स से कम के हो,
ठीक है, तो उसको यही कंसिडर किया जाएगा, उसको सॉल्ट ही कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों को इन सारी चीजों से बचाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि वो एक हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट हो बच्चों का, किसी भी प्रकार की परेशानियां उनको ना देखने को मिले। तो बेसिकली इट डिफाइंस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्शुअल अब्यूज इंक्लूडिंग पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव। ओके, मतलब एक पेनिट्रेटिव असॉल्ट या फिर नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट, किसी भी तरह का होगा वो असॉल्ट ही माना जाएगा, उसको हैरेसमेंट माना जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात होती है आपके एग्रीवेटेड के बारे में, तो इट डीम्स अ सेक्सुअल असॉल्ट टू बी एग्रीवेटेड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब वो सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई चाइल्ड है, अगर वो मेंटली इल है, ठीक है, उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक नहीं है, और उसके साथ अगर कोई भी उसका कोई ट्रस्टेड पर्सन हो या कोई फैमिली मेंबर हो, कोई पुलिस ऑफिसर हो, कोई टीचर हो या कोई डॉक्टर हो, अगर वो उसके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी या कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट अब्यूज करने की कोशिश करता है, तो वो उसको एग्रीवेटिव उसमें डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो कास्ट द पुलिस इन द रोल ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्टर्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस। और ये जो एक्ट होता है यहाँ पर क्या है कि बच्चों की जितनी भी आइडेंटिटी है, चाहे उनके पिक्चर्स वगैरह हो, कोई भी चीज यहाँ पर नहीं सामने आने दी जाती। ओके, तो ये है आपका पॉक्सो एक्ट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्या माइनर्स को हम इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ला सकते हैं, कि मान लीजिए कि कोई भी इस प्रकार की गतिविधि किसी भी माइनर बच्चे के हिसाब से के द्वारा करी गई हो, तो क्या हम उसको लेके आ सकते हैं इस एक्ट के अंदर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये पर्टिकुलर बात कही गई है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो आप लोग मुझे बताएंगे, क्लियर हो गया इतना। चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। यहाँ पर रिसर्च में हमें एक नई बटरफ्लाई की स्पीशी मिली है। अब देखते हैं कौन सी स्पीशी है। तो आपके जो ग्रुप ऑफ लेपिडोप्टेरस होते हैं, यानी कि जो कि आपके जो बटरफ्लाइज वगैरह होती है उन पर रिसर्च करते हैं, उन्होंने देखा है कि एक पर्टिकुलर आपकी नई स्पीशी पाई गई है, ठीक है, जिसका नाम है नाकाडुबो सिन्हला रामास्वामी, ठीक है। और ये कहाँ पाई गई है आपकी, अगस्त्यमाला इन वेस्टर्न घाट में आपकी ये जो नई स्पीशी है इसको पाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये आपकी नई स्पीशी है, ये कहाँ पे पाई गई है, वेस्टर्न घाट में। ओके, तो ये यहाँ पर आपकी, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट अ बटरफ्लाई स्पीशी वॉज डिस्कवर्ड बाय एन ऑल इंडियन रिसर्च टीम फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। अब ये पहली बार हुआ है, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई इस प्रकार की जो स्पीशी है वो डिस्कवर की गई है वेस्टर्न घाट पे, ठीक है। तो याद रखना ये कहाँ पर डिस्कवर हुई है, ये हुई है आपके अगस्त्यमाला वेस्टर्न घाट पर। ओके, और नाम याद रखना इसका, नाकाडुबो सिन्हला रामास्वामी, इजी है, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने जो तजाकिस्तान है उसके प्रेसिडेंट हैं इमोमली रहमान के साथ उन्होंने यहाँ पे मीटिंग करी, ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही है आपके अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में। अब देखिए अफगानिस्तान और तालिबान का इशू क्या है, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। उससे पहले मैप देख लो। देखो ये अफगानिस्तान, ये तो हमारा इंडिया का हिस्सा है, ये क्षेत्र हमारे इंडिया का है, ठीक है। और यहाँ पे देखें हम तो ये पाकिस्तान है, प्यारा पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर है हमारा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से हम थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद ये चाइना है और यहाँ पर आपका तजाकिस्तान है। ओके, इधर उज्बेकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखना, ये आपके मिडिल ईस्ट वाला एरिया जाता है, ये तो आपका साउथ एशिया हो गया और इधर आपका सेंट्रल एशिया की तरफ है ये। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि अफगानिस्तान और तालिबान का जो इशू है उसको मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। देखिए एक तरफ क्या है, यहाँ पे दो लोग हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। एक तरफ है अफगान गवर्नमेंट, दूसरी तरफ है तालिबान। तालिबान क्या है कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है तालिबान? मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई किस वजह से रहती है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए अफगान जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो भी चीज है वो संविधान के हिसाब से चले। मतलब मान लीजिए कि देश, ठीक है, जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से सारी चीजें होती हैं, और तो एक्स्ट्रा कोई रूल नहीं लगाता है ना कि ऐसे करो अलग से कोई रूल हो। तो यहाँ पे क्या है कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो यही कह रही है कि जो भी संविधान में
जो रूल्स हैं उन्हीं के हिसाब से देश चलना चाहिए। पर मुस्लिम जो आपकी तालिबान है, तालिबान कहती है नहीं भाई, जो हमने रूल्स बनाए हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा कड़े नियम हैं, उनके हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बारी देखने को मिला है। और इस पे क्या है कि देश काफी, मतलब बाकी के जो देश हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो गए, और सबने कुछ ना कुछ पीस प्लान वगैरह हो या फिर एक पीस मीट हो, ये सब कराने की कोशिश हुई है। अभी हाल फिलहाल में रशिया ने, आप लोगों को पता है कि इन दोनों के मध्य में पीस मीट भी कराई थी। उसके बाद फिर जो आपके कुछ देश हैं उन्होंने ये भी बोला कि भाई कुछ पीस प्लान लेके आना चाहिए। जैसे हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, उन्होंने एक पीस प्लान लेकर आए। वो उस पीस प्लान में क्या था कि देखिए, एक तरफ जो आपकी अफगान गवर्नमेंट है वो तालिबान को अपने साथ 50% इन्वॉल्व कर ले, 50% उसकी भी सुन ले, अपने तो हैं उसके रूल्स पर 50% जो आपकी 50% है वो तालिबान की भी सुन ले, कि भाई दोनों ही मिलकर यहाँ पे जो भी चीज करनी है उसको सेट कर लें, कि भाई आपस में मिलजुल कर हम सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी कंट्रीज हैं आपकी, देखिए काफी सारी कंट्रीज हैं। अब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, जिसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो गए थे, ये हुआ है आपका 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो कि तजाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने अटेंड करी है ये मीट। और यहाँ पर आपकी 15 और कंट्रीज थी, जैसे कि आपकी अफगानिस्तान थी, पाकिस्तान भी था, टर्की भी था, ईरान भी था, चाइना भी, रशिया भी, सऊदी अरेबिया भी था, जितनी भी आपकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। ठीक है, वो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही एफर्ट्स देखे जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो आपका अफगानिस्तान है, ठीक है, उसमें शांति बनाई जाए, कैसे भी होके वहां पर शांति बनाने की कोशिश की जा रही है। ओके, चलो अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एमवी टैक्स रिबेट प्रपोज फॉर स्क्रैपिंग व्हीकल्स। अब आप लोगों को पता है कि एक स्क्रैपेज पॉलिसी आई थी। इस स्क्रैपेज पॉलिसी में क्या था कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपके एक तरफ तो प्राइवेट व्हीकल्स है और दूसरी तरफ है कमर्शियल व्हीकल्स, तो प्राइवेट व्हीकल्स में कौन से आ गए, प्राइवेट यानी कि आपके द्वारा ओन किए गए, आपकी जो कार है कोई भी चीज है वो पर्टिकुलरली आपके प्राइवेट व्हीकल्स हो गए, ठीक है, कार ओन बाय यू। और कमर्शियल क्या हो गए, जैसे कि ट्रक है, बसेस है, ये सब है। तो यहाँ पे क्या है, स्क्रैपेज पॉलिसी में क्या आया था कि देखिए, जो भी आपकी प्राइवेट व्हीकल्स हैं तो उनका ना हर 20 साल में, एवरी 20 इयर्स उनका एक टेस्ट होगा, फिटनेस टेस्ट होगा कि क्या ये फिट है या नहीं। ठीक है, अगर ये फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए, तो क्या है कि जो आपकी सरकार है वो इस पर्टिकुलर जो आपकी कार है या व्हीकल है उसको स्क्रैपेज के लिए भेज देगी, ठीक है, और आपको इंसेंटिव्स देगी ताकि आप लोग नए व्हीकल को खरीद सकें। और यहाँ पर जब बात होती है कमर्शियल वालों को, तो कमर्शियल वालों को दिए जाते हैं 15 साल, कि आपको हर 15 साल में अपनी व्हीकल का टेस्ट कराना है, फिटनेस टेस्ट कराना है। अगर वो टेस्ट में फेल हो जाती है तो फिर क्या होगा कि उसके बाद उसको तो एंड लाइफ घोषित कर दिया जाएगा कि भाई इसकी तो जिंदगी हो गई खत्म, अब आप नई गाड़ी लें। उसके लिए आपको इंसेंटिव्स वगैरह जो है, डिस्काउंट वगैरह है आपकी नई व्हीकल पे, वो कौन देगी, वो सरकार देगी आपको। ओके, तो यहाँ पे यही प्रकार, इसी प्रकार की बात हुई थी। तो यही है आपका इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है OCI कार्ड होल्डर्स नीड नॉट कैरी ओल्ड पासपोर्ट्स। अब देखिए, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड द इंडियन, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के थे, मतलब ये इंडिया में रहते थे, बट ये चले गए कहाँ पे, ये चले गए आपके यूके में रहने चले गए। अब इनका जो बच्चा होगा, ठीक है, वो इंडिया में आ सकता है, इंडिया में रह सकता है, इंडिया में ट्रेड कर सकता है, पर उसके लिए कुछ चीजें हैं जो वो नहीं कर सकता है। क्या क्या चीजें नहीं कर सकता है वो यहाँ पर वोट नहीं दे सकता है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता, तो ये सारी चीजें हैं जो वो नहीं कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि जितने भी आपके ओवरसीज सिटीजन हैं उनको जो भी है, उनके जो पासपोर्ट वगैरह हैं, ठीक है, तो वो जब भी इंडिया में ट्रैवल करेंगे तो उनको ये चीज देखनी है कि वो अपने साथ ओल्ड पासपोर्ट्स को कैरी ना करें। ठीक है, OCI के बारे में आप एक बार देख लेना, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में एक बार ही आप लोग अपने आप से देख लेना। ओके, चलो अब अगली खबर यहाँ पे बात करिए, म्यांमार क्रैकडाउन
डेथ यहाँ पर हो गई है करीब 500। अभी देखिए हाल फिलहाल में हमने देखी थी कि 100 से अबव थी, अब देखिए यहाँ पे 500 हो गई है। देखिए यही कंडीशन है जो देखने को मिल रही है म्यांमार में, और ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज भी की जा रही है, क्योंकि मिलिट्री जिस प्रकार से लोगों के साथ इस प्रकार का ये जो बिहेवियर अपना रख रही है, जो रुख रख रही है लोगों के साथ, और यहाँ पे करीब 500 लोगों को मार दिया गया है। और करीब आई थिंक अभी थोड़े टाइम पहले ये पता चला था कि 600 लोगों को जिनको उन्होंने डिटेन किया था उनको छोड़ दिया है। ठीक है, कहीं कहीं कुछ अच्छी अच्छी खबर देखने को मिलती थी, उसके बाद ही अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 500 लोग यहाँ पर मर चुके हैं, जबकि प्रोटेस्ट जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कुछ ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है जिसमें कोई वायलेंस क्रिएट की जा रही है। लोग बहुत नॉन वायलेंट तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पे जो मिलिट्री है वो बहुत ही ज्यादा बुरी लोगों की हालत कर रही है। इसी वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर इंडिया की तरफ भागते हुए जा रहे हैं, क्योंकि कोई जगह अगर रहने लायक नहीं बचेगी तो इंसान दूसरी जगह की तरफ भागेगा ही। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात हो रही है चाइना के और श्रीलंका के बारे में। अब देखिए यहाँ पर देखो चाइना की जो मक्कारी है वो भी पता चलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि चाइना जो है श्रीलंका के यहाँ काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कर रहा है, और उनको भारी भारी लोन दे रहा है। अब वो लोन इतने भारी होते हैं कि उनको चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी एक तरीके की डेब्ट स्ट्रैटेजी है। कैसी स्ट्रैटेजी है? डेब्ट स्ट्रैटेजी है कि मान लो हम किसी को ज्यादा भर भर के लोन देंगे तो फिर क्या होगा कि वो उसे चुकाने में समय लगेगा, और तब तक वो हमारे अधीन हो जाएगा जो भी देश है। तो यहाँ पे इन दोनों के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं। ठीक है, काफी अच्छे दिखाई देते हैं दोनों के रिलेशन। और यहाँ पर जो आपका चाइना है वो श्रीलंका में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उनको लगा रहा है, यहाँ पे लोन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोन दिया गया है आपके जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है श्रीलंका को लोन दिया है उसने। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे इतना भारी लोन दिया है फिर इसको लेगा भी है, और जब ये श्रीलंका को चुकाना पड़ेगा तो श्रीलंका को और लोन लेना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर आपके जो चाइना है उसकी ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ बात हो रही है, देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बांग्लादेश गए थे अभी हाल फिलहाल में, 26-27 में गए थे, 26-27 मार्च में गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि 26th ऑफ मार्च को आई थिंक जो आपकी बांग्लादेश है उसकी 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या था कि आज से काफी टाइम पहले आपके यहाँ इनके बांग्लादेश जो था वो बेसिकली पार्ट था पाकिस्तान का। ठीक है, इसको बेसिकली कहा जाता था ईस्ट पाकिस्तान। अब ये बांग्लादेश है, पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, और ऊपर की तरफ वो जो है उसको बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान। तो 1971 में एक वॉर हुई, ठीक है, लिबरेशन वॉर हुई, जिसमें इसको बांग्लादेश बना दिया गया, ये बांग्लादेश बन गया। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, और इंडिया था जो इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने इसको नेशन रिकॉग्नाइज किया था। तो अब यहाँ पर क्या था कि मोदी जी को यहाँ पे बुलाया गया, मोदी जी गए 50th एनिवर्सरी में। ठीक है, यहाँ पर वो गए और जितने भी हमारे मार्टिर्स वगैरह थे सबको वो करने के लिए। अब यहाँ पे क्या था कि मोदी जी एक तरफ तो बांग्लादेश गए, वहीं पर ढाका में जो आपकी एक मुस्लिम ग्रुप है हिफाजत इस्लाम, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया मोदी के आने से। अब इन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में क्या यहाँ पर काफी सारे लोग, उस टाइम पे भी खबर आई थी कि 4 लोग मर भी चुके थे। तो यहाँ पे यही चीज बोली जा रही है कि जो भी प्रोटेस्ट अभी हाल फिलहाल में हुआ है बांग्लादेश में उसके पीछे कौन है, उसके पीछे है आपका ये ग्रुप हिफाजत इस्लाम। ओके, चलिए, तो ये आपके बांग्लादेश का मैप है, यहाँ पे देखना जब आप लोग थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वेस्ट बंगाल की तरफ आप लोगों को यहाँ पे बांग्लादेश देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अभी एक एडिटोरियल भी आया, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन एट वरीज लेवल। अब देखिए यहाँ पे ऑयल के प्राइजेस हमारे यहाँ किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, ऑयल के प्राइजेस हो चाहे आपके एलपीजी हो, वो बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे प्राइजेस देखने को बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से इसकी जो मार होती है, देखिए यहाँ पे क्या है कि महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ती है, पर यहाँ पर जो भी वर्ग होता है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है उससे, वो कौन सा होता है, जो आपका लोअर होता है। ठीक है, लोअर वर्ग जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट होता है इससे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर एक वारिसम लेवल की तरफ क्रॉस करता जा रहा है, इतना बढ़ रही है, ऑयल प्राइजेस बढ़ रहे हैं जिससे लोगों पे कितना हद तक प्रेशर आ रहा है। अब देखिए फ्यूल प्राइजेस आपके कम हो तो जाए, पर यहाँ पर क्या है कि ईरान के ऊपर लगे हैं सैंक्शन। ठीक है, और वहां से हम लोग लेते हैं क्रूड ऑयल,
और वहां पर लग रहे हैं अभी हाल फिलहाल में सैंक्शन, और सैंक्शन किसके द्वारा लगाए गए हैं, यूएस के द्वारा। अब यहाँ पे अगर इससे सैंक्शन हटे तो हम यहाँ से इससे क्रूड ऑयल लें, ठीक है, अगर हम यहाँ से एक बारी ऑयल लेंगे तो हमारे यहाँ जो फ्यूल के प्राइजेस हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, बात तो यही करी जा रही थी। उसके बाद यहाँ पे देखा गया था कि जो एलपीजी के प्राइजेस हैं, एलपीजी के प्राइजेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि देखिए आज से काफी टाइम पहले जब ये पर्टिकुलर पॉलिसी आई थी, पर्टिकुलर एक स्कीम आई थी जिसके अंतर्गत ये बोला गया था कि हर घर में एलपीजी का इस्तेमाल होना चाहिए, तो उस टाइम पे करीब न जाने 10 मिलियन लोगों ने यही करा था कि उन्होंने शुरुआत कर दी थी एलपीजी लेने की, जिन लोगों के घर में चूल्हा भी जलता था, ठीक है, उन लोगों ने भी शुरुआत कर दी थी कि हम लोग एलपीजी लेंगे, क्योंकि उस समय क्या था कि प्राइजेस बहुत कम थे, प्राइजेस कम हो गए थे उस टाइम पे, तो सबने एलपीजी ले लिया। अब देखिए जब प्राइजेस इतना ऊंचा जा रहे हैं, इतना ऊपर जाएंगे, तो जो निचला वर्ग है, ठीक है, जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज्यादा, तो वो किस प्रकार से एलपीजी लेंगे, उस किस प्रकार से इसको यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे यही चीज के बारे में बात हो रही है। चलिए अगली खबर देखिए, वर्क विद इंडिया ऑन फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये पर्टिकुलरली चीज बोली है कि आप इंडिया में आके वर्क करें, ठीक है, फंड करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि हमारे यहाँ जो पैंडेमिक की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो काफी हद तक कम हो जाए। तो यहाँ पर यही चीज कहा जा रहा है कि एनडीबी ने भी अभी 18 प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया में लगाए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके से जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी है उसके रिलेटेड ये बात हो रही है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो हमारी वी शेप रिकवरी है वो करी जाए, उस हिसाब से जो भी आपके लोग हैं वो इंडिया में वर्क करें और फंड करें हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। चलिए ठीक है, और आपकी जो एनडीबी है, एनडीबी क्या है आपकी, एनडीबी है आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, उसको कहा जा रहा है इन ऑर्डर टू कंसिडर वर्किंग क्लोजली विद इंडियाज न्यू डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हमारे देश में रिकवरी जो है वो काफी तेजी से हो। किसकी रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी। ओके चलो, अब यहाँ पे आती है एडिटोरियल की बात, एडिटोरियल की बात आ रही है यहाँ पे, और एडिटोरियल है आपका पहला कि इंडिया डज नॉट शाइन व्हेन ओनली सम ग्लीम। अब यहाँ पे देखिए कि इंडिया चमकने में थोड़ा सा नाकामयाब रहा है। अब देखिए नाकामयाब किस प्रकार से रहा है, एक तो देखिए पैंडेमिक, ठीक है, पैंडेमिक की जो सिचुएशन आई और उस टाइम पे सब कुछ कंट्रोल हो भी गया था। देखिए अब देखिए हर जगह अगर देखा जाए तो हर देश में जो इकोनॉमिक लेवल था वो तो हर जगह गिरा था, और हमारे देश का भी गिरा, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, और जो लॉकडाउन हुआ वो काफी ज्यादा खतरनाक था। क्यों खतरनाक था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के लिए लोगों को बाहर जाया जा रहा था, उससे ज्यादा किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। उसी समय देखिए हम लोग काफी अच्छी तरीके से, अगर देखिए किसी चीज के ड्रॉबैक्स हैं तो फायदे ये हुए थे उस समय कि ज्यादा केसेस नहीं बढ़े थे, ज्यादा केसेस नहीं बढ़े थे, और हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड भी कर लिया था उस पर, काफी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड किया था। अब जो सीन है कि अब तो देखिए केसेस कितने ज्यादा उफान मार रहे हैं, तो यहाँ पे यही चीज कही गई है कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि हम मार्च तक कम से कम इतना इकोनॉमी वो कर लेंगे, तो गवर्नमेंट उस जगह कहीं ना कहीं फेल रही है। क्यों रही है, देखिए हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखा जाए तो करीब 107 कंट्रीज हैं उसमें, और हमारी जो रैंक थी वो 94 आई थी। कितनी आई थी, 94 रैंक आई थी, अगर ये चीज देखी जाए। और अगर वेल बीइंग के बारे में बात करी जाए तो 153 कंट्रीज हैं, ठीक है, और हमारा जो इंडिया था उसकी रैंक हुई थी आपकी करीब 144। और यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी जो आपके पुअर हैं, जो पुअर लोग हैं वो और ज्यादा गरीब होते गए हैं, क्योंकि गरीबों की जो संख्या है, ठीक है, जो पुअरेस्ट लोग थे उनकी जो जो वर्ग है उसकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ती गई, ठीक है, काफी ज्यादा बढ़ी है यहाँ पे, एंड ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इंक्रीज हुआ था, करीब 75 मिलियन लोग बढ़ गए थे। ओके, और उसके बाद अगर देखा जाए कि आपका जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स और किन किन चीजों की होती है, अब देखिए यहाँ पे क्या था कि क्वालिटी ऑफ वाटर में देखें तो आपकी 122 कंट्रीज आती हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर, सॉरी हाँ 122 कंट्रीज आती हैं, और जिसमें इंडिया की जो रैंक थी वो 120 आई थी। कितनी आई थी, 122 कंट्रीज में 120 रैंक आई है इंडिया की, किसमें, वाटर क्वालिटी में, यानी कि वाटर क्वालिटी भी काफी ज्यादा गिरती नजर आई। 180 कंट्रीज आपकी आती है, 180 कंट्रीज आती है आपकी एयर क्वालिटी में, तो हमारी रैंक कितनी आई, 179 रैंक आई है। तो यहाँ पे देखिए कि कितनी सारी चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हमें सुधार लेकर आना है, जिसमें एक तो आपकी देखिए एयर क्वालिटी देख लीजिए आप किस प्रकार से गिरती नजर आ रही है,
ठीक है। और दिल्ली हमेशा हमारा जो कैपिटल है वो नंबर वन रहता है हमेशा पोल्यूशन के मामले में। तो यहाँ पे 180 कंट्रीज का जो एक पर्टिकुलर सर्वे हुआ उसमें हमारी जो रैंक है वो 179 आई। देख रहे हैं वो वाटर क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, वाटर क्वालिटी भी काफी ज्यादा खराब है। 144 कंट्रीज के सॉरी 122 कंट्रीज के उसमें हमारी जो रैंक है वो 120 है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम लोगों को ऊपर निकलना पड़ेगा, यहाँ पे अपने आप को काफी अच्छा दिखाना पड़ेगा ताकि हम लोग आगे जाके थोड़ा और शाइन कर सकें। ठीक है, यहाँ पे इस एडिटोरियल में इसी चीज पे बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है आपके बांग्लादेश और किसके बारे में, इंडिया के बारे में, बांग्लादेश और इंडिया। देखिए बांग्लादेश इंडिया की अगर रिलेशनशिप देखी जाए तो अभी हाल फिलहाल में एक एडिटोरियल आया था इसका, आई थिंक 25th को आया था वो एडिटोरियल, 25th या 26th को आया था, 25th को ही आया था क्योंकि मोदी जी जाने वाले थे उससे पहले ही आया था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इंडिया और आपका जो बांग्लादेश है उन दोनों के जो रिलेशन है स्टार्टिंग में तो रिलेशन थोड़े से खराब थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने रिलेशंस को काफी अच्छा किया, ग्रो करा, धीरे धीरे ग्रो करा, ओके। और उसके बाद क्या था कि हमारा अगर देखा जाए तो हमारी जो ट्रेड है, ट्रेड हमारा सबसे ज्यादा हम लोग बांग्लादेश के साथ करते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा बांग्लादेश, अगर एशियन कंट्रीज कंट्रीज में देखा जाए तो। कनेक्टिविटी हमारी काफी अच्छी है और एनर्जी के उसमें सेक्टर में हो तो काफी तेजी से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। किस किस में काम करना शुरू किया है, आपका ट्रेड हो चाहे आपका कनेक्टिविटी हो, ठीक है, रोड्स वगैरह बनाने, ये सारी चीजें जो है वो भी हम लोगों ने काफी तेजी से करी है। एनर्जी के मामले में बात हो तो एनर्जी में भी हम लोगों ने काफी तेजी से इन सारे सेक्टर्स में काफी तेजी से काम करना शुरू किया है। और उसके बाद आपका रोड हो, रेलवे हो, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो, लोन भी प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ही देशों के बीच में जो एक इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है, चाहे आपके ट्रेड के मामले में हो, इन सारी चीजों में काफी स्ट्रांग रहा है। अगर प्रॉब्लम रही भी है तो प्रॉब्लम क्या रही है, एक तो आपकी बॉर्डर किलिंग, ठीक है, जो बांग्लादेश पे बॉर्डर किलिंग होती है वो परेशानी है, और दूसरी है आपकी तीस्ता रिवर, जो आपकी तीस्ता रिवर है, ठीक है, वो एक परेशानी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमारी बांग्लादेश की काउंटर पार्ट थी शेख हसीना जी, उन्होंने मोदी जी से ये चीज रखी भी थी, उनके सामने ये बात रखी थी कि जब उन दोनों के बीच में बात हुई थी, अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वहां पे गए हैं, उन दोनों के बीच में जब बात हुई थी तो उन्होंने एक चीज बोली भी थी कि दोनों ही कंट्री तीस्ता रिवर का जो यूज है वो मिलके करें तो ज्यादा बेहतर है, है ना, किसी भी प्रकार की दोनों की तरफ ही परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो परेशानियां हैं जो दोनों ही देशों के मध्य अगर थोड़ा बहुत वो कर सकती है, एक तो है आपकी बॉर्डर किलिंग, ठीक है, जो आपके बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो किलिंग वगैरह होती है वो, और दूसरी है आपकी तीस्ता रिवर। आप लोग मैप में जाके देखेंगे कि तीस्ता रिवर किस तरफ पड़ती है, तीस्ता जो नदी है वो किस तरफ पड़ती है, आप लोग मुझे जाके अभी या तो अभी कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर आप लोग बाद में भी बता सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे यही बात थी। और यहाँ पे आपके जो शेख मुजीबुर रहमान है, ठीक है, ये उस टाइम पे इनको बोला जाता था फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन किसके, बांग्लादेश के, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है आईआईटी के बारे में, किसके बारे में, आईआईटी के बारे में, आईआईटी के ऊपर भी पहले एक एडिटोरियल आ चुका है। अब यहाँ पे आईआईटी के बारे में क्या बात हो रही है, देखिए आईआईटी के जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, बेसिकली आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या है कि नए नए आईआईटी बनाए जा रहे हैं, नए नए आईआईटी जो है वो बनाए जा रहे हैं, बिल्ड किए जा रहे हैं। बट यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एक बात बताइए कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए आप कैंपस बना दोगे, नया सब कुछ कर दोगे, क्या उस हिसाब से जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो देखने को मिलेगी, एजुकेशन की क्वालिटी देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्सीलेंस क्या है, डिपेंड करती है आपकी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन क्वालिटी पे। एक्सीलेंस किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की क्वालिटी पे डिपेंड कर रही है, ना कि आप लोग किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, कैंपस कैसा है, कितने टीचर्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम देखने को मिली है कि आपकी जो एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस इन एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मेंटोरशिप, ना कि वो किसी साइज पर, लोकेशन पर, ठीक है, इन सारी चीजों पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको फैकल्टीज को इम्प्रूव करना चाहिए, उनको बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फैकल्टी है ही नहीं,
फैकल्टी है नहीं, स्टूडेंट ज्यादा, फैकल्टी है नहीं। फैकल्टी क्यों नहीं है? क्योंकि कम पैसे दे रहे हैं, नए नए वो बना रहे हैं, आईआईटी के वो बना रहे हैं, यहाँ पे पैसे कम दे रहे हैं, तो जितनी भी फैकल्टी वगैरह है, जितने भी लोग हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? फिर वो बाहर भागते जा रहे हैं, क्योंकि जहां पैसा मिलेगा इंसान को वो वहां जाएगा, है ना। हाँ, लैक ऑफ फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज है ही नहीं, फैसिलिटीज है नहीं। सिर्फ और सिर्फ किसमें पैसा लगा रखा है कि बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करें, बड़े कैंपस बनाएं, लोकेशन अच्छी रखें, यही सारी चीज है। बट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए फैकल्टी में, आपकी एजुकेशन में, लोगों मतलब जो बच्चे हैं उनको आप उनको स्ट्रेंथन करो, उनके इंक्रीज करो, कि एक तो फैकल्टी की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, दूसरा बच्चों को किस चीज में आपको प्रेरित करना चाहिए कि उनकी स्किल डेवलप करनी चाहिए, ताकि वो ट्रेन हो सके, वो कोई ना कोई नए नई चीजें इन्वेंट करें, चीजों पर ध्यान लगाएं, ये सारी चीजें करें आप। एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज होनी चाहिए, रादर देन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द कैंपस और योर आईआईटी। तो इतने नए नए जो आईआईटी बन रहे हैं, जो पुराने पुराने हैं, पहले उन पे देखा जाए कि वहां पे ये चीज देखी जाए कि वहां पे फैकल्टी को देखा जाए कि फैकल्टी वहां पूरी है या नहीं है, एजुकेशन किस प्रकार की बच्चों को मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी कोई ढील पोल है, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी उसी चीज के बारे में बात करी गई है। और दूसरी चीज के अगर आप लोग जो सैलरीज हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो फैकल्टी है वो यहाँ पे क्यों नहीं आती है, फैकल्टी का सबसे मेन रीजन यही है कि सैलरीज का लो होना, सैलरीज बहुत कम है, इसीलिए वो लोग चले जाते हैं बाहर की, उसमें बाहर की यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाएंगे, वहां उनको सैलरी मिलेगी, उनका जो टैलेंट है उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा और उसके बाद उसी हिसाब से उन्हें सैलरी दी जाएगी। तो वो यहाँ पे क्यों रहे, लो सैलरीज क्यों ले वो? तो यहाँ पे जो चीजें हैं जो इनको सुधार में लेके आनी है, एक तो कि ये इनको फैकल्टी अपनी अच्छी करनी है, एजुकेशन अच्छी करनी है, बच्चों को प्रेरित करना है कि वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करें, कि अपनी स्किल अच्छी करें बच्चों की, ठीक है। और सारी चीजें यही इंपॉर्टेंस रखती है कि आपकी जो एजुकेशन है उसकी एक्सेलेंस सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर डिपेंड करती है, कि एक्सेलेंस जो है वो डिपेंड कर रही है आपकी एजुकेशन की क्वालिटी पे। तो मेन आपका ये जो एडिटोरियल था वो इसी चीज पे था। ओके, आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। तो यही था आज आप लोगों के लिए न्यूज में। आई होप किसी को कोई इशू नहीं हुआ होगा, अगर कोई इशू है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, फिर हम लोग कल मिलेंगे, कल है आपकी 1st of April, ठीक है, 1st of April को मिलते हैं हम। तब तक के लिए जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज करना, नोट्स बनाना उससे। ओके, चलिए तो कल मिलते हैं, कल का न्यूज़पेपर हम लोग करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। ओके, और किसी की कोई भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, सो दैट मैं आप लोगों को उन सारे डाउट्स पे आप लोगों को क्लियरेंस दे दूंगी। ओके, बाय।